नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आसान बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे आप एक बार देखते ही है ना बना लेंगे। इतने ज़्यादा आसान है ये, और इसमें हम ना तो कोई चाशनी डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इस रक्षाबंधन है ना आप ये टेस्टी बर्फ़ी बना सकते हैं। कोई बता नहीं पाएगा कि आपने ये खरीदी है या फिर है ना आपने खुद बनाई है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर है ना 2 कप बेसन लिया है। बेसन आप है ना यहाँ पे मैंने बारीक वाला लिया है। अगर आप मोटा वाला लेना चाहते हैं ना तो वो भी ले सकते हैं, पर बारीक वाले से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर एक थाली के अंदर है ना अच्छी तरह से घी से इसे ग्रीस कर लिया है, और है ना ये सारे काम हमें पहले ही करके रखने होंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसे मैंने मिक्सर के जार में डालकर पीस लिया है, क्योंकि हम इस बार है ना इसमें चाशनी नहीं डालेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर लिया है। चीनी को हम पीस कर ही यूज़ करेंगे, सो इसका इस तरह का फाइन सा पाउडर बन जाएगा, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ बादाम है ना इसको रफली चॉप कर लेंगे, मोटे मोटे पीस में ना इसे बस हमें कट कर लेना है। बादाम ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो, पर बेसन की बर्फी में ना बादाम का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो अगर आपके पास है बादाम तो आप ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर इसे बस रफली सा चॉप कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है घी और दूध लिया है, तो घी यहाँ पर है ना 1 कप में है ना थोड़ा कम है, ये 2 टेबल स्पून के करीब कम है 1 कप में घी, और यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध लिया है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर का दूध है, दूध गर्म होने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके वो वाला दूध बस हमें लेना है। अब पैन के अंदर है ना मैंने सारा घी डाल दिया है, और फिर इसके अंदर डाल देंगे बेसन और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑन। तो यहाँ पर है ना इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बर्तन लेना वो मोटे तले का बर्तन लें, तभी बेसन है ना अच्छी तरह से भुनेगा। नहीं तो है ना अगर आप पतले तले का बर्तन लेंगे ना तो बेसन जो है ना बर्तन के तले में लग जाएगा, और जिससे ये बिल्कुल भी अच्छी मिठाई यानी बर्फी जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो बर्तन हमेशा मोटे तले का ही लेना है। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लिया है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, और लो फ्लेम पर है ना ये सारी बेसन की जो हम भुनाई करेंगे ना लो फ्लेम पर करेंगे, इससे है ना मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, यानी जो हम बर्फ़ी बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बस लो फ्लेम गैस की रखनी है, और उस पर है ना बेसन को है ना इस तरह से लगातार चलाते हुए ना हमें भूनते रहना है, ताकि बेसन बर्तन के ना लगे। आप देखेंगे ना बेसन अभी बहुत ज़्यादा लिक्विड है, धीरे धीरे इसे भूनते भूनते है ना आप देखेंगे थोड़ा सा ड्राई होने लग जाएगा। तो इसी तरह से बस बेसन की है ना भुनाई करते रहनी है। बेसन में अच्छी तरह से आप देखेंगे बबल्स आने लग गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा है ना बेसन में यहाँ पर देखिए बबल्स आ रहे हैं ना। तो बस है ना अब इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि बेसन है ना अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, और इसे बिल्कुल भी है ना इसमें गैप नहीं देना, इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। बेसन का कलर भी अब आप देखेंगे ना चेंज हो गया है, बेसन को भूनते हुए 10 मिनट के करीब हो चुका है। अब इसके अंदर है ना हम जो हमने दूध रखा है ना वो ऐड करेंगे, तो एक साथ सारा दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, 3 से 4 बार है ना दूध हम है ना बेसन के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से भूनना है, जब तक है ना बेसन में दूध अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए ना तब तक हमें भूनना है, फिर दोबारा से इसके अंदर है ना हमें दूध ऐड करना है। तो इसी तरह से ना 2 से 3 बार है ना बेसन को भूनते हुए ना इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, और देखिए कितने ज़्यादा इसमें बबल्स आ गए ना। इस तरह से बनाने से ना बेसन की जो मिठाई बनेगी ना बर्फी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होगी। तो बस ये वाला प्रोसेस करने से ना बर्फी दानेदार बनकर तैयार होगी, और आप देखेंगे ना घी भी अब है ना बेसन में कम हो रहा है ना थोड़ा सा, पहले कितना ज़्यादा घी था इसके अंदर, धीरे धीरे है ना घी की क्वांटिटी भी इसमें थोड़ी सी कम हो गई है दूध डालने से। अब इसके अंदर जो पिसी हुई चीनी है ना वो डाल देंगे, और जो बादाम काट के रखे हैं ना वो डाल देंगे। बादाम इसमें है ना फ्राई करके डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेसन खुद ही इतना ज़्यादा गर्म है कि वो बादाम को अच्छी तरह से भून देगा, मतलब रोस्ट कर देगा। अब चीनी को है ना अच्छी तरह से बेसन के अंदर है ना मिला देना है, तो इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से ना इस तरह से दबाते हुए है ना चलाना है, ताकि जो चीनी है ना कहीं पे भी लम्स ना बनाए, अच्छी तरह से बेसन में मिल जाए। और आप देखेंगे ना बेसन बिल्कुल अब है ना ड्राई सा हो गया ना, तो इस स्टेज पे ना आप इसे ना थोड़ी देर के लिए ना 2 से 3 मिनट तक है ना लो फ्लेम पर ही छोड़ दें, और थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है ना मेरा बेटा मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगता है, उसे भी है ना मेरे साथ बैठ के ना कुकिंग करवाने का शौक़ है,
तो मेरे पास ही बैठा रहता है वो इस तरह से। अब बेसन को भी अच्छी तरह से चलाकर मिला देंगे। जैसे जैसे चीनी है ना डिसॉल्व होने लग जाएगी ना, बेसन में फिर से मॉइस्चर है ना वैसे ही आने लगेगा। अगर आपको लगे ना फिर भी कि बेसन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा आप है ना 1 चम्मच के करीब है ना इसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया इलायची पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसन को है ना फिर से 4 से 5 मिनट तक और भूनेंगे। और ये देखिए बेसन का टेक्सचर आप देखिए कितना अच्छा है ना, बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सा बेसन है ना भून के तैयार हुआ है। कलर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुनहरा कलर आया है, और घी भी है ना अच्छी तरह से अब बेसन में आप देखेंगे ना मॉइस्चर फिर से आ गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और बेसन को है ना थोड़ा ठंडा करना है। तो यहाँ पर है ना बेसन भी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है, तो 1 से 2 मिनट तक है ना गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे मिलाते रहना है, ताकि जो बेसन है ना उसका कलर चेंज ना हो बिल्कुल भी। और है ना बेसन भूनने के बाद आप यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू बेसन और इलायची की पूरे किचन में आ रही थी ना, किचन में क्या पूरे घर में ही आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसी तरह से लो फ्लेम पर अगर बेसन भूनकर तैयार करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट है ना दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। अब इसे है ना बर्तन में ना जिस भी बर्तन में आपको बर्फ़ी बनानी हो उसमें रख दें और अच्छी तरह से इसे प्लेन कर दें, सेट कर दें, और उसके ऊपर है ना अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, और इसे है ना रूम टेम्परेचर पर ना 3 से 4 घंटे तक रख दें सेट होने के लिए, और उसके बाद है ना फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप है ना बर्फ़ी बनाएं ना तो इसे घी में बनाएं, तभी बर्फ़ी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आप तेल में बनाएंगे ना तो बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी मुलायम मुलायम सी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो है ना इस बात का ध्यान रखना है। और बेसन की भुनाई है ना हमेशा लो फ्लेम पर करनी है, तभी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कई लोगों की ये शिकायत होती है ना कि बेसन में है ना बेसन का एक फ्लेवर सा आता है, अच्छी तरह से बेसन का टेस्ट नहीं आ पाता, मतलब बर्फ़ी का टेस्ट नहीं आ पाता, या फिर है ना बेसन की बर्फ़ी खाने के समय वो दांतों में चिपकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप बेसन की भुनाई लो फ्लेम पर करोगे। और बेसन भुनने में ना थोड़ा समय लगता है, 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है, पर बर्फ़ी का जब आप रिजल्ट देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। अब मैं आपको एक बर्फ़ी का टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी बनी है और बिल्कुल दानेदार बनके तैयार हुई है, माउथ मेल्टिंग ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो अगर आप बेसन की बर्फ़ी बाहर से खरीदते हैं ना तो एक बार ये वाला तरीका ज़रूर यूज़ करें। इसमें ना तो आपको कोई चाशनी बनाने की टेंशन है, बिना चाशनी के आप ये टेस्टी बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।